वेलकम बैक एवरीवन। इस एपिसोड में अपडेट लेते हैं इरेडा का, विच इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। देखो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इस पर्टिकुलर स्टॉक को पहले भी, उसका लिंक मैं आई बटन में जाकर डाल देता हूँ तो आप उसे इजीली देख पाएंगे। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हम लोग देख रहे थे, अल्टीमेटली काफी सारे जने थोड़ा सा परेशान है कि यहाँ पे जिस तरीके से स्टॉक लोअर सर्किट लगा रहा है तो वो उसको लेके थोड़ा सा डिस्कशन करना है। बेसिकली देखो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, एक चीज ये तो आपको समझनी पड़ेगी, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग हुई है कहीं ना कहीं। पीएसयू सेक्टर की अगर हम लोग सेक्टर वाइज बात करते हैं तो वहां पे भी हम लोग को जनरली एक बुकिंग देखने को मिल रही है, तो वो चीज हुई है। यहाँ से टॉप से स्टॉक जो है 20% टूट गया। बट ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पे हम लोग को एक चीज ये देखनी चाहिए कि स्टॉक जो है उसने ऑलमोस्ट विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक 20 डेज यहाँ पे 77% के रिटर्न को डिलीवर आउट किया था। एंड उसके बाद से अगर स्टॉक 20% नीचे भी आया अल्टीमेटली तो वो एक बहुत बड़ी चीज नहीं होती, बिकॉज इतना करेक्शन तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब ये मार्जिन तो हम लोग एक सेफ्टी के हिसाब से भी लेकर चलते हैं। तो मुझे लगता है वो एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना। अगर हम लोग यहाँ पे इस कंपनी के बिजनेस को देखते हैं तो उस बिजनेस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है। एंड अभी के लिए भी तो क्या, अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी थोड़ा सा देखेंगे तो बिजनेस बहुत सस्टेनेबल एंड एक अच्छे जोन पे है, तो वो एक चीज यहाँ पे आपको समझनी है सर्टेनली। दूसरी चीज अगर हम लोग एक और समझें, हम लोग सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च के अंदर जो है एक रेट कट्स आ सकते हैं। रेट कट्स के बाद में हमें लगता है जो लोन होंगे वो और ज्यादा इंड्यूस होंगे, जिसकी वजह से एक अनदर रेवेन्यू को ग्रो कराने वाला फैक्टर भी हमें देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे चीजें अच्छी हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छी बाइंग जो है हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो वो आने के चांसेस है। अगर यहाँ पे वापस से एक छोटा सा रिवर्सल आता है, स्टॉक 171.20 के ऊपर निकल जाता है, अगर ये पुल बैक 120 रुपए तक के लेवल तक कंटिन्यू होता तो वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होगा, मैं ये चीज आपको यहाँ पर कहूंगा, बिकॉज स्टॉक जो है फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे 43-44% का डिप लगा चुका होगा। दूसरी चीज यहाँ पर यह कि किस दिन ये सर्किट खुलता है वो दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये चीजें जो है यहाँ पे अभी हम लोग को थोड़ा सा फोकस करना है, देखना है। आई डोंट थिंक दैट यहाँ पे कंपनी का एक वर्स्ट फेज आ गया है सर्टनली, क्योंकि पीएसयू सेक्टर के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स है एंड पीएसयू काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ओवरवैल्यूड जोन पे चले गए थे, उसकी वजह से भी ये चीजें हमें देखने को मिल सकती है। तो आई डोंट थिंक अगर आप फंडामेंटल बेसिस पे होल्ड कर रहे हैं कंपनी को तो आपको डरने का जरूरत है, बट अगर आपने टॉप पे ही बाय किया एंड आप देख रहे हैं कि यार ये स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लगा रहा है तो भी अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में सोचेंगे आई डोंट थिंक वहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा। विद दैट सेड I hope you guys enjoyed this episode. आपको कोई भी doubt है तो please feel free to ask it in the comment section below and I'll see you guys in the next one.